विकास केवल कल कारखानों के जरिए होता तो यूपी का ये क्षेत्र शायद सबसे ज्यादा विकसित होता, लेकिन विकास तो आता है बिजली के तारों से, खेत खलिहानों से, किसानों से। नमस्कार, मैं हूं विनोद मिश्रा। ये पब्लिक का सवाल है, मैं बात आज इसी विकास की होगी, बात सोनभद्र की होगी, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था। यहाँ पर हिंडाल्को और एनटीपीसी जैसे तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कहा जाता है कि इन इंडस्ट्रीज ने अपना विकास तो किया, लेकिन जनता का विकास पीछे छूट गया। आखिर हकीकत क्या है, आज पब्लिक का सवाल है, मैं इसी को जानेंगे। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक विकास के भी अलग अलग मायने होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कल कारखानों के जरिए विकास आता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, कई बार ये दोहन का वजह भी बनता है। तमाम लोग जो सोनभद्र में रहते हैं वो इसे किस नजरिए से देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहा गया कि सोनभद्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, कल कारखाने लगे, अभी भी बहुत सारा माइनिंग भी होता है, कल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, कंपनियां काम करती हैं, लेकिन क्या इससे सही मायने में विकास आया, क्या विकास हुआ क्या आप लोगों का? नहीं, विकास हुआ। लगता है कि सरकारों ने ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया सरकार, जैसे यहाँ तमाम बिजली की परियोजनाएं हैं, हाँ। पहले से लगी हैं, लेकिन दीपक तले अंधेरा है, यहाँ पर कोई विकास नहीं है, बिजली दूसरे जगह जा रही है, यहाँ के लोगों के लिए बिजली नहीं मिल रही, जिससे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी में काफी दिक्कत है। जो विकास होना चाहिए था, क्या वो सही मायने में वो विकास सोनभद्र में हुआ? नहीं, वो विकास नहीं हुआ है, जो होना चाहिए विकास नहीं हुआ है। क्या उम्मीदें थी जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए था और नहीं हो पाया? जनता को बहुत उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया, कहा जा रहा है कि पानी की बड़ी समस्या बहुत सारे क्षेत्रों में, गाँव में है, लोगों के लिए शुद्ध पानी का, पीने का पानी नहीं है, और ये विकास जो हुआ उसकी वजह से लोगों की सेहत भी खराब होने लगी। यह तो सही बात है, पानी पीने का तो दिक्कत नहीं है, पानी पीने के लिए है, सिंचाई के लिए यहाँ प्रॉब्लम आती है, कुछ एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता है, पानी रहते हुए भी, जैसे नगमा बांध हुआ या धंधरवल बांध हुआ, वहीं सटा हुआ 10-15 गांव धंधरवल बांध के नीचे है, जो धंधरवल बांध का पानी आज तक नहीं लगता है, इस पर किसी नेताओं का ध्यान नहीं गया। वहीं बगल से पानी मिर्जापुर कहाँ कहाँ चला जाता है, लेकिन बगल के खेत सूखे रह जाते हैं। तो सिंचाई की, पानी की जो दिक्कत है वो भी है, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी से लोगों को बीमारी हो रही है, बहुत सारे लोग इफेक्टेड, बहुत सारा गाँव इफेक्टेड है। अपने लगता है जो विकास कल कारखाना यदि होना चाहिए था वो उस मायने में नहीं हो पाया, लोग तो नहीं विकसित हो पाए यहाँ पे, या हुए? नहीं हुए, क्यों नहीं, किस तरीके से विकास हुआ? एक बार में थोड़ा विकास हो जाएगा, व्यवस्था पहले से बिगड़ी हुई है, सरकार में कुछ संशोधन है, इसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ। क्या कुछ मिला आप लोगों को यहाँ पे सरकार के जरिए? सरकार के जरिए मिल रहा है काम, रोजगार मिल रहा है, लेकिन सब लोगों को नहीं मिल रहा है, जनसंख्या ज्यादा है इसलिए नहीं मिल रहा है, ऐसा थोड़ा कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार मिला है, रोजगार मिला है, लगता है कि रोजगार मिला है? हाँ, रोजगार मिला है, जो भरा नहीं है भावों में बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और हमारे सिरे हिंदुस्तान में जो विश्व गुरु के नाम माने होने वाला है, मोदी ने बहुत ही परिवर्तन हुआ है, 70 साल पहले जो है गोदाम में कैद लिए बैठा कोई खेतों की जवानी को, जहां दूध की नदियां बहती थी वही लोग तरसते पानी को, ऐसी व्यथा नहीं है, कुछ मूलभूत समस्याएं किसानों की हैं, और उसको जो है कि मोदी सरकार हमारे जो है पहल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी हल हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि तमाम घरों में शौचालय बन गया, मैंने भी देखा कि बने हुए हैं, आपको लगता है कि सरकार ने जो वादा किया 5 सालों में उसे जमीन पर पहुंचाया? जमीन पर बिल्कुल पहुंचाया, वो दिख रहा है, कुछ जो उनका समय है माने समय के अंदर हो जाएगा, और जो है उज्ज्वला योजना है, तमाम योजनाएं चल रही हैं जो जनता तक पहुंच रही है। बुनियादी सवाल रोजगार को लेकर भी है, आपको लगता है कि रोजगार जिस लेवल पे मिलना चाहिए था वो मिला क्या? यहाँ पे लोकल युवकों को कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, बाहर के लोग हैं जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर लोगों को रोजगार है, खनन क्षेत्र में सभी जो पहले के लिस्ट है सब बंद कर दिए गए हैं, बड़े बड़े लोगों को व्यापारियों के लिए ई टेंडरिंग के माध्यम से व्यवस्था कर दी, जिसमें बाहरी लोगों का बोलबाला है, यहाँ के लोगों का कोई मतलब नहीं, तो रोजगार के पास उतना पैसा हो दे पाएंगे ना पाएंगे। रोजगार कहना है कि जो लोकल लोग थे, जो ग्रामीण थे, आम जनता थी, उनको नहीं मिला,
रोजगार वगैरह मिला, यहाँ पे नौकरी वोकरी मिलती है? सर हमारे पिताजी खुद हिंडालको में थे, जो है प्लांट में ही मृत्यु हो गई, हमको सर्विस मिली। अच्छा। माँ को कैंसर हो जाने के बाद 10 दिन एब्सेंट रहे, अभी तक मैं रोड पर घूम रहा हूँ और आश्वासन ही केवल मिलता है हिंडालको से। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज के पास मिले और उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को लेटर लिखा कि इनके साथ न्याय हो, लेकिन अभी कोई ऐसा न्याय मेरे साथ हुआ नहीं। सर न्याय नहीं हुआ? आपको लगता है कि जिस तरह की तस्वीर बदलनी चाहिए थी सोनभद्र की, वैसी तस्वीर बदली? क्योंकि कल कारखाने तो लग गए यहाँ पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, लेकिन उसका असर जो है वो निगेटिव ज्यादा पड़ा। कहा गया जो यहाँ पे खनिज पदार्थ थे उसका दोहन किया कंपनियों ने, अपने मुनाफे कमाए और जनता जो है उसे अछूता रहेगी। देखिये यहाँ पे स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले हाइड्रो पावर लगा, सीमेंट फैक्ट्री लगी, पावर स्टेशन लगने के बाद भी जो विकास होना चाहिए था पूर्व की सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा बसपा की सरकार रही हो, सिर्फ सोनभद्र का शोषण हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे वो माननीय राजनाथ जी थे, चाहे माननीय कल्याण सिंह जी थे, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विकास की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किए। विकास जो है जमीन पर उतर गया, लगता है आपको कि विकास सच में हुआ, आप लोग को मिला फायदा? बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं, एक पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत वालों को तो दिक्कत हमेशा रहेगी। रोजगार मिल रहा भैया? हाँ मिल रहा है। क्या समस्या है? कोई समस्या है कि सब कुछ राम राज्य है? बेहतर ही है, बहुत बेहतर है, आप गाँव में जाकर देख लीजिए। मैं गाँव में घूम के आया हूँ और वहाँ बहुत सारे गाँव ऐसे है जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं है, तो ये भी एक तस्वीर है। भाई साहब, हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज बेल्ट है पूरा, ये ऊर्जांचल भी कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी हैं, लेकिन कहा गया कि कंपनियां आई तो इससे जो यहाँ की खनिज संपदा थी उसका दोहन किया, खुद मुनाफा कमाया और चली गई। देखिए सच्चाई है कि यहाँ सोनभद्र में, जहाँ सोनभद्र की बात करेंगे, यहाँ आज तक आजादी से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है सारे कांग्रेस ने, जितने बड़े स्ट्रक्चर हैं सब कांग्रेस की देन रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी रही हो या जितने भी राजनीति, कांग्रेस की ही देन है, लेकिन कहा जाता है कि ये फ्लॉप हो गया, जो मॉडल जो था यहाँ 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 का नारा था कि मुख्य चीज है माइनिंग, गिट्टी बालू सस्ता होगा, यहाँ लूट मची हुई है, पूरे लोगों का शोषण हो रहा है, गिट्टी बालू आसमान छू रहे हैं दाम, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का नतीजा है। बिल्कुल, तो लोग यहाँ का माइनिंग उद्योग खत्म है इस सरकार की वजह से, लूट मची हुई है, तो इनके भूखों मरने की नौबत पर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, समझे? हम रावण सिंह के नागरिक हैं, एक जमाने में हमारा यही बड़ा चरतल्ला रहता, हम भीख मांगने कगार पर खड़े हैं। विकास यहाँ पे हर कुछ हो रहा है जी? नहीं देखिए, विकास तो यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री आई, लोगों को सर्विस तो मिली यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ का जो ये मुख्य क्षेत्र छोड़ दें तो जो भी हमारा गांव देहात का क्षेत्र है वहाँ पे आज भी लोग जो है बेरोजगारी से या मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन में सुधार तो हुआ कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जो लोग यहाँ पे थे, जो उनके जीवन परिवर्तन होना चाहिए था इन फैक्ट्रीज की वजह से, वो उनको मिला, उनके जीवन परिवर्तन आया? उनके जीवन में तो परिवर्तन नहीं आया। नहीं आया, कारण यह है कि आउटसोर्सिंग से जो काम चला रहे हैं, परमानेंट जो जगह थी, पहले 11,000 आदमी यहाँ काम करते थे, वो आज के डेट में 5,000-5,500 हो गए हैं, वो भी 2022 तक रिटायर होकर के करीब आधे रह जाएंगे, और सारे जगहों पर कोई वैकेंसी निकाल नहीं रहे और उसके जगह पर भर्ती कर रहे हैं। रोजगार की बात की जा रही थी कि रोजगार मिलेगा जब बड़ी कंपनी आएंगी, शायद यही माइंडसेट था कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे सोनभद्र में और खास करके रेणुकूट आसपास के इलाकों में। आप मिला लोगों को रोजगार? आप लोग को रोजगार मिलता है? रोजगार पर लोकल स्तर पे नहीं है, यहाँ पर जो रोजगार मिल रहा है बाहरी लोगों को मिल रहा है, लोकल में दिक्कत है कि हिंडालको में रोजगार है लेकिन सप्लाई से है, परमानेंट जो रिटायर हो रहा है उसकी यहाँ कोई भर्ती नहीं है, तो जब परमानेंट भर्ती होगी ना तो वो मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा। मैंने जो विकास कहा, जो बेसिक कार्य हो रहे हैं उनपे विकास का, सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, बिजली आने इस पे विकास हो रहा है, सरकार की जो मूलभूत सुविधा बिजली पानी सड़क ये सब में सुधार हो रहा है, बेहतरीन सुधार हो रहा है। रोजगार के मामले में जितना विकास होना चाहिए यहाँ पर नहीं है, बाकी अन्य अगर सरकार की हम बात करें जैसे सरकार की योजनाओं का, तो यहाँ पर लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता आप लोगों को? क्या मिल रहा सरकारी योजना? नहीं सरकारी का ये विकास तो हो रहा, खूब रोड वगैरह खूब बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में अकाउंट खुल रहे हैं, इसका खूब मिल रहा है, मगर जो हिंडालको का इससे कोई विकास नहीं हो रहा। ये तो है कि बैंकों में जो पहले बैंक में जब हम लोग भी जाते थे बैंक में तो खाता खोलने के लिए फॉर्म नहीं देते थे, मना कर देते थे, ये तो अंतर दिख रहा है कि जो है अब कोई भी आदमी जाता है तो खाता खोलने के लिए इमीडिएट खाता खुल जाता है, पहले तो फॉर्म ही नहीं देते थे,
ये तो अंतर है, ये अंतर है। और एक अंतर और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सिलेंडर की मैं बात करूंगा, पहले हम लोग कनेक्शन होल्डर तो थे, लेकिन साल में हम लोग को एक दो सिलेंडर ब्लैक खरीदना ही पड़ता था। दक्षिणांचल में इतना बड़ा उद्योग स्थापित हुआ है, उसके उसके तरफ से तो यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, उस हिसाब से जनसंख्या को देखते हुए लोगों को जाने आने की सुविधा नहीं है। केवल दो ट्रेनें हैं, बहुत ट्रेन बढ़ाने की मतलब जरूरत है। माध्यम से बोलना चाहेंगे कि यहाँ सोनभद्र में कॉलेज खोला जाए, जिससे बच्चों को दिक्कत होती है, बाहर जाना पड़ता है। हाई एजुकेशन कॉलेज नहीं यहाँ पे, डिग्री कॉलेज नहीं है, ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। कहाँ जाते हैं आप लोग? बनारस जाना पड़ता है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, तो यहाँ थोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज नहीं, टेक्निकल विश्वविद्यालय नहीं है, कॉलेज भी नहीं है यहाँ पर। अपना जैसे रेणुकूट तो बोलते हैं ना हमारा है, रेणुकूट तो बोलेंगे हमारा है, लेकिन हम उनके नहीं है। रेणुकूट शहर उनका है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं है, नहीं वो बाहर ही है। एक बड़ी समस्या यहाँ पे जो है वो ये है कि उर्जांचल कहा जाता है पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र को, लेकिन जिस तरह का विकास का कंसेप्ट था और जिस तरीके से इसे डेवलप करने की कोशिश सरकारों ने की, शायद उनकी इच्छा शक्ति इस तरह के नहीं हो पाई। और शायद यही बड़ी वजह है कि उस विकास के दौर में जो कंसेप्ट था इसको विकसित करने का, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गया। समस्या किसानों की भी है, हालांकि सियासत के केंद्र में इस वक्त किसान है और तमाम फैसले किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकारें कर रही हैं। एक तरफ जहां कर्ज माफी की बात हो रही है, तो वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात भी की जा रही है। आप लोग सोनभद्र किसान हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? ऐसा है भाई साहब कि यहाँ का किसान मेहनत करके खेती करता है और उसके उसका यहाँ चार ब्लॉक में मुख्य उपज धान और गेहूँ, समर्थन रेट पर धान हमारा बिकना चाहिए। यह हम मानते हैं कि यह गवर्नमेंट अन्य गवर्नमेंटों की अपेक्षा हमें रेट थोड़ा अच्छा दिया, लेकिन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारा जो धान खरीद था, बिचौलियों का धान खरीद कर कोटा पूरा हो गया। सरकार ने कहा जब तक किसानों के पास धान है या अनाज जो भी है तब तक खरीदा जाएगा उसमें। हमने यही यहाँ के अधिकारियों से हमने पूछा, प्रशासनिक अधिकारियों से हमने पूछा, धान क्रय एजेंसियों के प्रभारियों से मैंने पूछा जिले स्तर पर कि भाई आप किस आधार पर हमारा धान खरीदना बंद कर दिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गोल मटोल उत्तर दे करके उन्होंने अपना गला छोड़ा। सर पूरे के लिए हम लोग संघर्ष, सर एक महीने तक भी हम लोग डिप्टी आरामो के हैं, डीएस के हैं और डीएम साहब के हैं आवेदन के, एक महीने से बोरा नहीं गया, खरीदी बंद हो गया। अभी उनका कहना 30 जनवरी 28 जनवरी तक जियो है हम लोगों का खरीदी सर चलने की, लेकिन इनका कहना है कि 30 जनवरी से पोर्टल लॉक कर दिया गया जिससे खरीदी बंद हो गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आप लोगों को? जी हमारा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ खरीदी संबंधित जितने जो अधिकारी बीच में है, बिचौलियों का ज्यादा वो सब कर रहा है। बिल्कुल, तो तमाम लोग यहाँ पर है, अब अलग अलग राय है। हालांकि जो सबसे बड़ा पहलू है, जो सबसे बड़ा सवाल था, वो रोजगार को लेकर था, शिक्षा को लेकर था। कहा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो इलाके का विकास होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर शायद बदलनी चाहिए थी उस तरीके से अभी तक बदल नहीं पाई है, और शायद उस बदलने हुए तस्वीर का इंतजार अभी भी सोनभद्र को है। रेणुकूट से करीब 7 किलोमीटर दूर और मेन सड़क से इस गांव में आने के लिए आपको 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, तब आप इस गांव में पहुंचेंगे। और ये गांव बिल्कुल पठारों के बीच का गांव है, और ऐसे ही गांव आपको इन इलाकों में हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूर पर मिलेंगे। दरअसल कहा जाता है कि विकास जो है वो गांवों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। सरकार ने दावा किया कि हर गांव को बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में सरकार की सुविधाएं पहुंचेंगी, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी अभी तक यहाँ बिजली नहीं पहुंचा, घरों में बिजली के तार नहीं है। हालांकि इस पूरे इलाके को उर्जांचल कहते हैं, और आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन तार यहाँ से गुजर रही है। एनटीपीसी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जो बिजली उत्पादन करता है, बिजली बेचता है, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं पहुंचा। इतना साल हो गया, गाँव में कुछ बदलाव हुआ क्या? आप लोग कुछ मिला क्या? कुछ नहीं बदलाव हुआ है यहाँ। बिजली है, बिजली नहीं है यहाँ, बहुत ही समस्या, हर कुछ के यहाँ समस्या है। जे को हम लोग जागरूक ही नहीं हो पा रहे हैं, कोची का व्यवस्था इसलिए नहीं, हम जागरूक नहीं हो पा रहे, हम लोग अंधकार में ही यहाँ पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं, बिजली क्यों नहीं मिलती है, क्या कहते हैं लोग यहाँ? बिजली यही कहते हैं लोग कि दूरी पर है, इतना दूरी पर है, नहीं आने देते हैं, नहीं कह कह के टाल देते हैं। अब तक जो है आपके गाँव में बिजली नहीं आई? नहीं। उम्मीद है कि मिलेगी? सरकार चाहेगा तो मिल जाएगा, नहीं चाहेगा तो हम लोगों को थोड़ी अख्तियार है जब मिलेगा। सरकार की क्या क्या सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिल रहा है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। और पानी, पानी कैसा है यहाँ पे पीने के लिए? पानियों नहीं है, मैंने आरो प्लांट का पानी आ गया है। आरो प्लांट का पानी आ गया है, तो पानी गाँव में पहुँच गया है, लेकिन बिजली नहीं पहुँची, एक बड़ी समस्या है।
कहते हैं कि इतना कुछ विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है, पांच साल में इतने दावे किए गए, इतने वादे किए गए, कुछ मिला आप लोगों को, कुछ लगा? सरकार पांच दावा तो कर रही है लेकिन कार्यकर्ता को यहाँ जिम्मेदारी है। सरकार तो ऊपर दावा हर कुछ कर रहा है लेकिन कार्यकर्ता को जिम्मेदारी, उनको द्वारा ही सब काम होगा। जब वो पिछड़े रहेंगे तो कहाँ होगा काम? तो वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आजकल टाल मटोल हो रहा है कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा। तो इस योगी सरकार में भी आपको बिजली नहीं मिल पाई? हमारे करें तो योगी सरकार तो वहाँ आदेश कर रहे हैं लेकिन हम कार्यकर्ता यहाँ है जिसका जिम्मेदारी सौंपा गया है गांव क्षेत्र का, उनको जिम्मेदारी न बनता है तो वो आंख बंद किए हैं तो क्या योगी सरकार वहाँ से थोड़े उठ कर आएंगे यहाँ पर? बिल्कुल बड़ी बात है कि जो नीचे के कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, शायद वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई। स्कूल है यहाँ पे, पढ़ाई करते हो आप लोग? स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। और ऊपर जाना पढ़ना हो तो? नहीं, ऊपर जाना हो तो है, यहाँ से बहुत दूरी पे है, पढ़ने जाते हैं हम। कैसे कितने किलोमीटर है यहाँ से? कम से कम 7 किलोमीटर दूरी पे है और बरसात के मौसम में हम लोग को जाने में बहुत हालत खराब होता है। और ऐसे कैसे जाते हो, पैदल जाना पड़ता है? हाँ, ऐसे पैदल जाना पड़ता है। मान लीजिए बाइक से भी जाते हैं तो रोड बहुत बेकार हो जाता है जाने में, तो दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पे बिजली नहीं है तो हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने में रात में लाइट की व्यवस्था नहीं होती है जिस कारण हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो नेताजी वगैरह आते हैं लोग यहाँ मिलने आप लोग से? नेताजी आते हैं जब वोटिंग का समय होता है तो आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि आप वोटिंग दीजिए हम लाएंगे, लेकिन यहाँ कोई अभी तक सुविधा नहीं होगा। चुनाव के बाद नहीं आते? नहीं, चुनाव के बाद कोई नहीं। अभी आए हैं क्या सांसद महोदय? कभी आए हैं ये जो सांसद है आपके, आए हैं कभी? आए आप लोग से मुलाकात हुई? नहीं आए यहाँ पे। आप लोग मिले कभी सांसद से? नहीं, यहाँ पर अभी नहीं किए हैं सांसद से तो मुलाकातें नहीं है। खाली जानते हैं कि छोटे लाल खरवार सांसद है लेकिन यहाँ आए नहीं है। तो खरवार साहब के बारे में जानते हैं, उनसे मिले नहीं कभी? नहीं, हम लोग नहीं मिले, कभी नहीं आते। आप लोग की समस्याओं को कोई सुनता है यहाँ पे? कोई सुनवाई होती है? कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आता है यहाँ गाँव में? नहीं, कोई भी आते भी नहीं है, ना कभी कोई सुनते भी नहीं। हम लोग कोई आवाज उठाते हैं लेकिन कोई आवाज के ही दबा देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है दरअसल, रिमोट एरियाज के ये गांव है और इन गांव तक ना तो नेता पहुंचते हैं और ना ही चुनाव के बाद तो नेता पहुंचते नहीं है और अधिकारी भी नहीं आते, और शायद इसलिए बहुत दिक्कतों का सामना गांव वालों को करना पड़ता है। आपसे जा रहे हैं कि जिस तरह का विकास का कंसेप्ट था, कहा गया बहुत विकास किया जाएगा इस पूरे सोनभद्र का, ऊर्जांचल कहा गया इसको, जवाहरलाल नेहरू ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था इसको, किस तरह का विकास आप देखते हैं यहाँ पे? लगता है कि वो विकास आ पाया? नहीं, देखा जाए कि आज आजादी का हम लोगों ने 26 जनवरी को 70वां गणतंत्र बनाया, लेकिन जिस तरह के यहाँ के गांव का जो विकास देखा जा रहा है, कई गांव है वहाँ पे गांव में बिजली नहीं है और कई गांव है जहाँ पानी नहीं है, लोग पानी के लिए मोहताज है, बिजली के लिए मोहताज है, शिक्षा के लिए मोहताज है। क्या अस्पताल है भैया आप यहाँ पे? कोई है? कहाँ जाते हैं आप लोग? मेवरपुर जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो 10-15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है। हम यहाँ समझ जाए कि शिक्षा के लिए बच्ची लोग के बहुत समस्या है, जो कि रास्ते में छेड़खानी ही लोग कर देते हैं। तो बच्ची लोग, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधान जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग बताइए बेटी को कैसे बचाओ, किस तरीके से हम पढ़ाएं? यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, जंगल का रास्ता है, ऐसे बच्चियाँ कैसे जाती हैं स्कूल, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। और किस तरीके से बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, बच्चियों को बचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पे है। आप कह रहे थे कि कोई एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो फिर बड़ा अजीब सी जिंदगी, कैसा विकास है ये? देखिए, अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज लगने के पहले की बात थी कि इंडस्ट्रीज वालों ने पहले ही सरकार में हलफनामा दिया कि हम यहाँ के लोगों को शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, विकास करेंगे इन गांवों का, लेकिन आज इतने दिन बीत गए लेकिन इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन इन गाँव के लोगों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये है, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से देखें कि विकास की बात करते हैं, सरकार भी विकास की बात करती है, तो एक तरफ विकास होता है, दूसरी तरफ यहाँ के जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, गिरवासी हैं, इनका एक दूसरी तरीके से इनका विनाश भी होता है, शोषण भी होता है। जी बिल्कुल, तो विकास के दो पहलू होते हैं, एक तरफ इंडस्ट्रीज लगी तो इंडस्ट्रीज में जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई उनका विकास हुआ, और जो लोगों को उसमें नौकरी मिली या जॉब मिला उनका विकास तो हुआ, लेकिन जिनकी विकास की मूलभूत जरूरतें जिनके लिए थी, जो गिरवासी हैं, जो बनों में रहते वनवासी हैं, जो गांव वाले हैं यहाँ पे, उनका विकास उस कदर नहीं हो पाया। और आजादी के 70-71 सालों बाद भी अगर तस्वीर ऐसी है और नहीं बदल पाई है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर इस विकास के मायने क्या है? 1962 में रेणुकूट में हिंडाल्को को बसाया गया ताकि
यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और कहीं ना कहीं मकसद ये था कि इस उज्जांचल का विकास किया जा सके। पूर्वांचल का जो ये एरिया था सबसे पिछड़ा था और माना गया कि विकास के दौर में ये पीछे न रहे, लिहाजा आजादी के बाद से इसकी कोशिश शुरू हुई और सबसे पहले एक बड़ा सा इंडस्ट्री यहाँ लाया गया जिसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहा जाता है। हिंडाल्को यहाँ पे आया, आप लोग को इससे कोई फायदा मिला क्या, कोई बदलाव आया आप लोग की लाइफ में हिंडाल्को आने से? निश्चित रूप से काफी बदलाव, जैसे आपने पहले ही कहा कि आदिवासी अंचल हुआ करता था, इसके विकास के लिए ये फैक्ट्री आई, निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा है। अब आप इससे लगाइए कि यहाँ उसकी वजह से सड़कें बन गई, आवागमन आप देख रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, और सब बातों को तो बहुत जानकार लोग बता पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जब भी कोई इंसान की दुर्घटना में या किसी तरीके से मौत हो जाती है तो आप बिना कहे पूछे, जो कि लकड़ियाँ अन्य शहरों में आप जाइए बना जाए 15,000 रुपये आपको लगता है, यहाँ बिना कहे पूछे एक सूचना पे हिंडाल्को की तरफ से लकड़ी और गाड़ी सौ उसको ले जाने के लिए उपलब्ध होती है। जी यही रहते हो, आपके लाइफ में कोई बदलाव आया क्या पिछले 5 सालों में? बहुत बदलाव आया। क्या बदलाव आया भाई? जो हमारे पास सड़कें नहीं थी, हम लोग जो गैस है वो घर पे जो बैठ करके पहले लाइन लगाना पड़ता था, अभी घर पे ही से सारा कुछ हो जा रहा है। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे हम लोग जो घर से ही सब ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तो ये बजट आया, इसमें हमको छूट भी मिल गई 5 लाख का, तो बदलाव तो धीरे धीरे। जो गांव में हम लोग के बिजली नहीं आती थी, आज 24 आवर क्या 22 घंटे बिजली आ रही है, अगर 2 घंटे नहीं भी आती उसका भी मैसेज आ रहा है, तो बदलाव तो है। तो बदलाव हुआ, बात बदलाव में आपके जीवन में आया, बात रोजगार की जाए तो क्या इन फैक्ट्रियों के जरिए आपके घरों में रोजगार पहुंचा, आप लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ किसी भी तरीके से रोजगार? नहीं, हम तो ऑलरेडी यहाँ रोजगार में है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें, जैसे गांव देहात की मैं बात करता हूँ, हमारे कई जानने वाले ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं था उनके पास, लेकिन जब से कौशल योजना आई, युवा योजना, जो बैंक में जो पिछले 4 साल में आई, बहुत लोग लोन ले करके बहुत सारा रोजगार खड़ा किए। ये बताओ सरकार से कोई फायदा आप लोग को मिलता है, कुछ मिलता है नौकरी? यहाँ कहाँ काम करते हो? काम अभी कहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं करते हो? नहीं। करते हो? रहने वाले कहाँ के हो? बिलेते के रहते हैं। बाहर सोनभद्र कहीं ना? हाँ, सोनभद्र। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार कहती है कि इतना कुछ किया हमने, उसका कुछ फायदा मिलता आप लोगों को? मिलता है हल्का फुल्का। हल्का फुल्का मिलता है, रोजगार नहीं मिला? नहीं, मजदूरी से करते हैं। क्योंकि इस इलाके में जो जॉब मिला वो मजदूरों को ज्यादा मिला और मजदूरी लोगों ने ज्यादा की यहाँ पर। हालांकि जो कोशिश थी कि इन फैक्ट्रीज के जरिए लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जाए, लोगों का ये मानना है कि सरकार ने जो कोशिश की उससे पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदला है, तस्वीर बहुत ज्यादा बदली है। लेकिन जो बड़ी समस्याएं थी उसमें से कई समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी जस की तस मौजूद है।